गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 7 की एक्सरसाइजेस फिल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बच्चों? इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 7 की एक्सरसाइजेस फिल करने वाले हैं। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको वर्ब समझ आई कि वर्ब कितने टाइप की होती है और वर्ब को हम कैसे यूज करते हैं। तो बताइए, आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब समझ आई? क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब बताइए मुझे। मतलब जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब जिस वर्ब को सेंटेंस में कंप्लीट सेंस को दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसे हम क्या होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिस वर्ब को किसी भी सेंटेंस में सेंस को कंप्लीट दिखाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि शी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट या फिर ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर आपको प्ले खेलने के लिए बताना पड़ रहा है कि क्या खेलता है, क्रिकेट, तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो ये यहाँ पर जो प्ले जो वर्ब हो गई वो ऑब्जेक्ट के साथ लगी है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब ही स्लीप्स, वह सोता है, यहाँ सोने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना, तो इसीलिए ये इंट्रांजिटिव हो गई। तो आपको समझ आया? चलिए अब हम अपने चैप्टर 7 की एक्सरसाइजेस फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों? Which of the following words are verbs? मतलब क्या है Which of the following words? यहाँ पर जो words दिए हैं are verbs, उनमें से कुछ verbs हैं। Okay? Write them down in the given space. आपको क्या करना है, ये जो आपको कुछ words दिए हैं इनमें से जो भी verb हैं उन्हें आपको नीचे क्या करना है, लिखना है। Okay? चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं first word क्या है, jump। तो जंप क्या है, वर्ब है कूदना। जंप कूदना मतलब यहां पर कोई काम हो रहा है ना, तो वर्ब है। शी वर्ब है नहीं, क्या है, प्रोनाउन है। देन वर्ब नहीं है, मोर भी वर्ब नहीं है। डिग खोदना, खोदना मतलब आप कोई काम कर रहे हो ना, कोई काम हो रहा है ना, खोद रहे हो, तो मिट्टी पर कोई काम कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, उसे खोद रहे हो, तो खोदना क्या है, एक वर्ब है। ही वर्ब है बताइए आप मुझे, नहीं है। ही क्या है बताइए, प्रोनाउन है। वेरी गुड। चलिए हॉप वर्ब है लेटना। हॉप क्या होता है बताइए, हॉप मीन्स होता है कूदना, सॉरी हॉप मीन्स क्या होता है बच्चों, कूदना मतलब उछल रहे हो आप या फिर कूद रहे हो। हॉप उसके बाद है रन मीन्स आप जानते हो दौड़ना, तो आप यहाँ पर भी काम कर रहे हो, दौड़ रहे हो, यहाँ पर आप कूद रहे हो। उसके बाद हियर, हियर मतलब यहाँ, यहाँ कोई वर्ब ऐसा कुछ है, यहाँ वहाँ ये वर्ब तो नहीं है, ठीक है। ले मीन्स बिछाना, बिछाना कोई वर्ब है या नहीं है बताइए आप। हाँ बिछाना एक वर्ब है तो हमने लिख लिया। उसके बाद है बट बताइए एक वर्ब है या नहीं है, बट कोई वर्ब नहीं है, है ना, बट क्या है, कंजक्शन है। उसके बाद है लाए का मतलब क्या होता है बच्चों, लेटना। ओके तो लाई क्या है, एक वर्ब है या फिर झूठ बोलना, दोनों ही वर्ब है। ओके तो लाई, ठीक है। चलिए अब आपको समझ आया, तो इसमें हमारी ये जितने शब्द थे उनमें हमारी कौन कौन सी वर्ब निकली, जंप, डिग, हॉप, रन, लाए, सॉरी ले, लाई। ओके चलिए अब हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। तो बी नंबर की जो एक्सरसाइज है हमारी वो क्या है, राइट सुइटेबल वर्ब्स टू कम्प्लीट दीज सेंटेंसेज। मतलब क्या करना है आपको, आपको एक सुइटेबल वर्ब फिल करनी है इन सेंटेंसेस को कम्प्लीट करने के लिए। इन सेंटेंसेस को कम्प्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, एक सुइटेबल वर्ब फिल करनी है। टेक वर्ब फ्रॉम द लिस्ट यू हैव मेड अबव। तो आपको क्या करना है, आपको जो वर्ब लेनी है वो कहाँ से लेनी है, जो आपने ऊपर एक लिस्ट बनाई थी, आपने ये वर्ब की लिस्ट बनाई है ना, तो आपको जो वर्ब लेनी है वो यहां से लेनी है। ओके तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, आई प्लैंक एज फास्ट एज आई कैन। मतलब मैं भागा जितना भाग सकता था,
मैं इतना तेज भागा जितना मैं भाग सकता था। तो यहां पर हम कौन सी वर्ब फिल कर सकते हैं, जंप, डिग, हॉप, रन, ले, लाई, बताइए कौन सी वर्ब फिल कर सकते हैं। रन फिल कर सकते हैं। तो हमने यहां पर कौन सी वर्ब फिल की है बच्चों, रन। आई रन एज फास्ट एज आई कैन। तो आई ब्लैंक एज फास्ट एज आई कैन। तो बच्चों यहां पर हमको क्या करना है, तेज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ तेज, तो मैं भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। तो आई रन एज फास्ट एज आई कैन। ओके, चलिए। तो हमने पहले सेंटेंस में ऊपर से कौन सी वर्ब लेकर फिल करी है, रन। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई कैन प्लैंक ओवर द वॉल। आई कैन ब्लैंक ओवर द वॉल। तो बच्चों क्या हुआ, दीवार के ऊपर कूद सकता हूँ, मैं दीवार के ऊपर कूद सकता हूँ। तो यहां पर हमने क्या फिल किया, हॉप फिल किया। ओके, क्या फिल किया, हॉप। तो आई कैन हॉप ओवर द वेल, ओवर द वेल वॉल, सॉरी, ओवर द वॉल मतलब मैं दीवार के ऊपर कूद सकता हूँ। चलिए थर्ड सेंटेंस देखिए, आई ब्लैंक ऑन माई फूट, ऑन माई फुट। तो मैं अपने पैरों पर क्या कर सकता हूँ, कूद सकता हूँ। तो यहां पर हमने क्या फिल किया है, जंप। आई जंप ऑन माई फुट मतलब मैं अपने पैरों पर कूद सकता हूँ। ओके, चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, आई ब्लैंक इन सैंड। आई ब्लैंक इन सैंड मतलब मैं, सैंड का मतलब क्या होता है बताइए, मिट्टी। मैं मिट्टी खोदता हूँ, मैं मिट्टी में खोदता हूँ। आई डिग इन सैंड। तो यहां पर हमने क्या फिल किया है, डिग फिल किया है ना। आई डिग इन सैंड, मैं मिट्टी में खोदता हूँ। आप मिट्टी खोदते हो ना, तो डिग इन सैंड। ओके, चलिए उसके बाद आपका फिफ्थ नंबर का सेंटेंस क्या है, आई ब्लैंक डाउन फॉर रेस्ट। समझ आया, तो क्या हुआ कि हम आराम करने के लिए लेट सकते हैं। तो यहां पर हमने लाई फिल किया है, आई लाई डाउन फॉर रेस्ट। तो क्या बन गया, आई रन एज फास्ट एज आई कैन, आई कैन हॉप ओवर द वॉल, आई जंप ऑन माई फुट, आई डिग इन सैंड, आई लाई डाउन फॉर रेस्ट। ओके, चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी, तो बच्चों जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो क्या है, रीराइट द फॉलोइंग बाय फिलिंग वर्ब्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट, लिस्ट गिवन। मतलब आपको क्या करना है, रीराइट द फॉलोइंग मतलब आपको दोबारा लिखनी है, बाय फिलिंग वर्ब्स, क्या करके, वर्ब को फिल करके, फ्रॉम द लिस्ट गिवन मतलब आपको जो यहाँ पर लिस्ट दी है वर्ब की, आपको वो वर्ब फिल करके ये जो सेंटेंस है उनको दोबारा लिखना है। ओके, वन इज डन फॉर यू, एक हमने आपके लिए करके दिखाया है, एक हमने क्या किया है, आपके लिए करके दिखा दिया है। चलिए देखते हैं जो हमारा सेंटेंस पहले से कंप्लीट है उसको, माय मॉम दिस शर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ब फिल नहीं है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसमें ये जो आपको लिस्ट दी है, ये जो आपको लिस्ट दी है, आपको इनमें से वर्ब फिल करनी है। ओके, तो चलिए, माय मॉम ब्लैंक दिस शर्ट। तो मेरी मम्मी क्या कर सकती हैं, शर्ट को चल सकती है, नहीं चल सकती, स्टॉप भी नहीं कर सकती हैं, शर्ट से बात भी नहीं कर सकती हैं, शर्ट पर तो कितनी नहीं है, शर्ट को गिर भी नहीं सकती हैं, शर्ट से पी भी नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, शर्ट को स्टिच कर सकती हैं, सिल सकती हैं। तो अब हमने सेंटेंस को कैसे बनाया, माय मॉम स्टिच्ड दिस शर्ट, मेरी मम्मी ने क्या करी, यह कमीज सिली, मेरी मम्मी ने यह कमीज सिली। ओके, चलिए उसके बाद आप सेकंड सेंटेंस देखिए, ही अ ग्लास ऑफ मिल्क, ही अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो हम क्या करेंगे, वॉक नहीं कर पाएंगे, स्टॉप्ड टॉक वॉक्ड फेल ड्रैंक। तो हम क्या करेंगे, ही ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब क्या हुआ, उसने एक दूध का ग्लास पिया, ही ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। क्या हुआ बच्चों, ही ड्रंक अ ग्लास ऑफ मिल्क मतलब उसने एक दूध का ग्लास पिया। ओके, चलिए उसके बाद थर्ड नंबर का सेंटेंस देखिए, रवि टू स्कूल एवरी डे, रवि प्रत्येक दिन या रोजाना स्कूल। अब क्या आएगा बताइए, रोकता है, बात करता है, वॉक, वार्क, फेल, क्या आएगा,
वॉक्स, क्या आएगा बच्चों, वॉक्स। तो रवि रोजाना स्कूल जाता है, तो यहाँ पर थर्ड वाले सेंटेंस में हमने क्या फिल किया है, वॉक्स। तो यहाँ पर क्या है ना, जो वर्ब है ना आपकी वो नहीं है, आपको पूरा सेंटेंस दिया है, बस आपको वर्ब ऊपर जो आपको लिस्ट दी है उसमें से आपको वर्ब लगाकर सेंटेंस को दोबारा लिखना है ना। तो आप अपना फोर्थ सेंटेंस देखिए, फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, ही द कार इन फ्रंट ऑफ द गेट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा गेट आएगा उस पर हम क्या करेंगे, कार को रोकेंगे, स्टॉप्ड करेंगे ना, स्टॉप्ड। तो क्या आया बच्चों, बताइए मुझे, बताइए जल्दी। ही स्टॉप्ड द कार इन फ्रंट ऑफ द गेट, मतलब उसने गेट के सामने कार रोकी। ही स्टॉप्ड द कार इन फ्रंट ऑफ द गेट, उसने गेट के सामने क्या किया, कार को रोका। ओके चलिए अगला सेंटेंस देखिए, ही वेरी लाउडली, ही वेरी लाउडली, वह जोर से बोलता है। तो फिफ्थ वाले में हमने क्या फिल किया है, टॉक्स। ही टॉक्स वेरी लाउडली, ही टॉक्स वेरी लाउडली, मतलब क्या हुआ बच्चों, वह जोर से बोलता है। कैसे बोलता है, तेज बोलता है, जोर से बोलता है। चलिए उसके बाद आप सिक्स नंबर का सेंटेंस देखिए, सी डाउन फ्रॉम द हॉर्स, सी डाउन फ्रॉम द हॉर्स। तो अब हम इसमें क्या फिल कर सकते हैं, सिक्स नंबर वाले सेंटेंस में हमने फिल किया फेल। तो क्या हुआ, शी फेल डाउन फ्रॉम द हॉर्स, मतलब क्या हुआ, वह घोड़े से गिर गई। क्या हुआ बच्चों, वह घोड़े से गिर गई। चलिए उसके बाद आपका जो सेवेंथ नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, द डॉग एट द स्ट्रेंजर, द डॉग एट द स्ट्रेंजर, मतलब कुत्ता अजनबी पर भौंका, कुत्ता अजनबी पर भौंका। तो क्या होगा, द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर, क्या हुआ, कुत्ता अजनबी पर भौंका। चलिए एक बार फिर से सारे सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। ही ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, ही ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब उसने एक ग्लास, उसने दूध का एक ग्लास पिया। रवि वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, रवि वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, मतलब रवि रोजाना स्कूल जाता है। ही स्टॉप्ड द कार इन फ्रंट ऑफ द गेट, उसने गेट के सामने कार रोकी, उसने क्या की, गेट के सामने कार रोकी। चलिए उसके बाद फिफ्थ नंबर का सेंटेंस क्या बना, ही टॉक्स वेरी लाउडली, वह जोर से बोलता है। ओके, ही टॉक्स वेरी लाउडली, वह जोर से बोलता है। शी फेल डाउन फ्रॉम द हॉर्स, शी फेल डाउन फ्रॉम द हॉर्स, मतलब वह क्या हुई, वह घोड़े से गिर गई, वह घोड़े से गिर गई। चलिए उसके बाद, द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर, तो कुत्ता अजनबी पर भौंका। तो बच्चों सेकंड वाले सेंटेंस में हमने क्या फिल किया, ड्रैंक। थर्ड वाले में वॉक्स, फोर्थ वाले सेंटेंस में स्टॉप्ड, फिफ्थ वाले सेंटेंस में टॉक्स, सिक्स वाले में फेल, सेवेंथ वाले में बार्क। ओके तो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ आई, चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो डी नंबर की एक्सरसाइज क्या है हमारी, देखिए तो डी नंबर की एक्सरसाइज क्या है हमारी, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ब इन ईच सेंटेंस, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ब इन ईच सेंटेंस। हमको क्या करना है, प्रत्येक सेंटेंस में जो हमारी सही वर्ब है उस पर हमको अंडरलाइन करनी है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आर स्कूल हैज या फिर हैव एट टीचर, हमारे स्कूल में आठ टीचर हैं, ठीक है, आठ शिक्षक हैं, हमारे स्कूल में आठ शिक्षक हैं। तो बच्चों हमारा स्कूल सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ जो हमारी वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। तो बताइए हैज आएगा या फिर हैव आएगा, तो क्योंकि हमारा जो हमारा सेंटेंस है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो कौन सी आएगी, हैज आएगी, क्योंकि वो हमारे सिंगुलर वर्ब है ना, और हैव हमारे प्लूरल वर्ब है, तो हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। ओके तो क्या सेंटेंस हुआ, आर स्कूल हैज एट टीचर, तो हैव तो आएगा नहीं, इसको क्रॉस कर देते हैं। तो क्या बना बच्चों, आर स्कूल हैज एट टीचर्स, मतलब हमारे स्कूल में आठ शिक्षक हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं,
तो सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है, देयर इज आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो बच्चों बच्चे कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स मतलब 50 बच्चे हैं। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ओके तो क्या हुआ, पहले हम इसको काट देते हैं, तो क्या हो गया, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी मतलब मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं। मेरी कक्षा में कितने छात्र हैं बच्चों, 50 छात्र हैं। चलिए उसके बाद हम अपना थर्ड नंबर का सेंटेंस देखते हैं, तो दे हैज या फिर हैव अ ब्यूटीफुल नाइटिंगल, मतलब क्या है, उनके पास एक सुंदर बुलबुल है, उनके पास क्या है, एक सुंदर बुलबुल है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, आप बताइए मुझे, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो उसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी ना। और हमारी इसमें जो हैज है वो हमारी सिंगुलर वर्ब है, और जो हमारी हैव है वो कैसा कैसी वर्ब है बच्चों, प्लूरल वर्ब। ओके तो आप बताइए दे के साथ कौन सी वर्ब फिट होती है, हैज या फिर हैव, हैव। तो हम हैज को काट देते हैं, तो क्या हुआ, दे हैव अ ब्यूटीफुल नाइटिंगल, मतलब उनके पास एक सुंदर बुलबुल है, क्योंकि हमारा जो दे है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और जो हमारी हैव है वो हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो जो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल आती है। ओके चलिए उसके बाद हम अपना फोर्थ नंबर का सेंटेंस देखते हैं, तो फोर्थ नंबर का सेंटेंस क्या है, डू यू हैव या फिर हैज अ रेड पेन, मतलब आप क्या तुम्हारे पास एक लाल कलम है। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो यू है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ भी हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई है, प्लूरल लगाई है, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी है इसको काट देते हैं। ओके चलिए उसके बाद हम अपना फिफ्थ नंबर का सेंटेंस देखते हैं, तो क्या हुआ, फ्रेंड्स हेल्प्स या फिर हेल्प वन अनदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है, तो इसीलिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हमारी जो मेन वर्ब है यहाँ पर, हमारी जो मेन वर्ब है यहाँ पर, उसमें क्या आया है, एस आई एस नहीं आया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए इसको काटते हैं और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, हेल्प आएगा। तो क्या हो गया, फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर। ओके तो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ आई, तो बच्चों आज आपका होमवर्क क्या है बताइए मुझे, आज आपको इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 7 में इंग्लिश ग्रामर में आपको ए बी सी एंड डी एक्सरसाइज अपनी इंग्लिश ग्रामर की पेयर नोटबुक में करनी है। एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको, तो आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपको इंग्लिश ग्रामर में जितनी एक्सरसाइजेज मैंने आपको समझाई हैं वो सारी एक्सरसाइजेज आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की पेयर नोटबुक में करनी है। समझ आया, चलिए गुड बाय बच्चों।